कि जो तुम नमाजे जनाजा पढ़ते चलो ज्यादा भी तकबीर हजूर ने आखिया पांच छः सात इस तो भी ज्यादा सब सही हदीसा तो साबित है। साहबा भी करते थे जिन्ना भी इमाम तकबीर कही जाए कोई परवाह ना करो कब्बर मा कब्बर इमाम इबने मसूद फरमाते जिन्ना चिर कही जाता कही जो नाल अपने दुआवां पढ़ी जो मगर चार च पक्या ना बनाया तू जो पहली तकबीर आना चाहे हाथ उठा देना अल्लाह के करू मुँह तू की ऐलान करना अल्लाह सारे मरदाने मिरदाने मौत तो बड़ी अर बाला कोई जात है सिर्फ तेरी और जो गुनाह बख्शना कोई हों तो अभी को लै जाते मैयत न कोई तेरे सवा बख्शना नहीं असं हाथ खड़े करके आने मैं सवाए तेरे से कहन बख्शना आ तेरा बंदा अगे रख लिया तो असं खड़े हो गए हाथ साढ़े खड़े हाँ असं ऐलान करते हैं भी मौत तो बरतर बाला तेरी जात है तो बख्शनार बंद सवा तेरे से है कोई नहीं ऐ अगे पिया ही तो असं सिफारसी खड़े और हमारा फिर तुम अल्लाह की हमदो सना की तारीफा की रब दियाँ फातिहा पढ़िया होर कोई तारीफ की इन तारीफा करके फिर गल वह बनी जी मैं अल किराल अमल कुराज पढ़ी इमाम मुहिबुद्दीन तबरी फरमाते मैदान अरफात सी हज़ारा लखा का मजमा हज़रत मुतरफ इब्न शखीर बड़े ताब ने क्या हदीस के रावी है उन्होंने तेन पूछा इन्नी मखलूक अगर किसी बंद टुर के जाए तो किसी बंद जाके आख्या इन्हें सिर्फ तेरी जवानी एक देनी है एक धर्म तेरा यहाँ देना देना इस बंद ने तेरा असं इन्ने आए छड़ दे तो तुहाडा की ख्याल है बंदा माफ ना हो कोई यार मैंने शर्मिंदा करना एक धर्म और वो इन तुम रल के फरमाया जिन्ना बंद एक धर्म छड़ना मुश्किल आसान है ना अल्लाह तआला नूं बंदे के गुनाह बख्शने तो ज़्यादा आसान है बंदे का जवानी छड़िया बिगड़ता खुदा वाकई बिगड़ता जब इन बंद ने इन्नी तारीफ की मुड़ के हाथ उठा के आख्या कि अल्लाह असी सोच भी नहीं सकते तेरिया शाना हो तू रहमान होवे अर रहीम होवे तो मुड़ के अपने बंदे बख्शे ना ये कुफर होगा जो असी सोचे अल्लाह अकबर तेरी शान इस तो बाला और जो हाथ नहीं चुकते बिल्कुल एवं गल्लां बना लेंगे हजूर तो नहीं साबर मैनू हजूर तो विखा देन पहली बारी उठाने सारे शूख में जाके आखो क्यों सुनत खत्म कर दे जी तुम एक दीन का काम से हाथ उठाने जनाजे तुम बंद कर दिते और कह देंगे जे बे हजूर तो नहीं साबित बे हजूर तो पहली बार साबित है उत्थे ज़ईफ हदीसा का सहारा लेंगे इतने सही हदीस है इब्ने उमर फरमाउंदे कि रसूला चौहान तकबीर ना उठाते थे सहाबा किराम च एक भी नहीं लब्भा जरा चौहान तकबीर च हाथ ना उठावे खुदा का खौफ करया करो अपनी मर्जी दे यार हदीस हो जाते हैं जिधर मर्जी तुरे फिरदे बे रसूला तो यहाँ विखाओ बे आपने उठाया नहीं या उठाए जो तो नहीं वो कोई सही लभी सहाबा किराम नज़रअंदाज करना एक सहाबी विखाओ जरा नहीं उठाऊंगा जनाजे की तकबीर चार तकबीर और हाथ उठाने आपे जो बंदे समझ गए मेरे को जेड़े नहीं उठाते मैं उन्होंने वेखे कट्ट जे मैं नहीं एक दिन भी आख्या उठाओ आपे उठाने लग उन्हें आख्या यार एड्डी वड्डी गल क्या खुदा नादर नादर करके वो घर में हाथ उठा के आने अल्लाह साढ़े पले की आ साढ़े हाथ खाली असी कोई शह नहीं साढ़े पले असी सिर्फ तेरे दरवाजे के मांग से दूसरी तकबीर तो आख्या जी इन तारीफा की इन एजा सुना रैकल मरो यामन कफाओ मैन तारो दे सुनाई मैं सुनाओ जदों तारीफ ही की उदों बाद कहने की कि लौट के रैर तुम कह बाद तू सखी हाँ तू लखदाता करोड़पति अरबपति उन्होंने अकल नहीं ये इन्ना जरा मैंने आखरा गरीब यही कहना जबान नहीं हिला मंगता कि तेरे को इन्ने मैनू दे जदों खुदा की इन्नी तारीफ की खुदा ना क्यों सुन उस तो बाद असं फिर रसूला जी तरह मुतवजे हुए कि अल्लाह तू जिस पैगंबरे खुदा भेजा से उन्होंने मन आए असी काफिर नहीं तेरे रसूल पर ईमान रखते हैं इस बार उस रसूल लिए असी दुआ कर रहे हैं ए दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और तेरा वादा जरा मेरे रसूल से एक बार दरूद भेजे मैं उत्ते दस रहमत करना दस गुना माफ़ करना दस इस तो बंदे की सिफारिश बाद आनी अगली तकबीर की दुआ आनी ना पहला अपने आप में दवाना दरबार से आने जोगे हो गए जे हुक्म हो जाए दफा हो जाओ कि मुँह ना सिफारिश करना आ गए तुम आप मुजरम दे ला इन्हों कड़ियाँ भेजो जहनम इनू बखसा आ गए पहला मेहनत की असं बिल्कुल मलून और लानती कि मुँह ना तेन आखिए मगर तेरा वादा पक्का कि मेरे रसूल तो एक बारी रहमत की दुआ करो मैं दस रहमत कर इस तो पहला असं तरला कर रहे हैं तेरे नबी से दरूद पढ़ने कारो वादे के मुताबिक दस रहमत साढ़े दस गुनाह माफ कर भाई अपनी बख्शिश कराई अल्लाह कुरान जिम्मे आता सिफारिश नहीं कर सकता सिवाय उत्ते जिन्होंने मैं इजाजत देना इजाजत तद मिलनी है पाक हो इला मन रखता पहला अल्लाह खुश हो गद गल दरूद शरीफ पढ़िया फिर हाथ उठा हैं कि हूँ सानू हुसने तान पूरा यकीन है असं ये बदगुमानी भी नहीं कर सकते हूँ तू सारी दुआ ना सुने तू ये आप हुक्म दिता मेरे को दुआ करो तू क्या मैं मेरी इजाजत है मेरे को दुआ करो तेरी इजाजत ना आया नमाजे जनाजा पर तू कबूल फरमा हाथ उठाया कि हुसने तान्या था पूरा यकीन और ईमान है तू मनेगा और उदों बाद जैसे कर ली दुआ अल्लामा फिर लाइए ना मई ना ये अल्लामा फिर लवरम तो फिर की होया फिर दरबार चो निकल गए तो हाथ उठा के शुक्रिया अदा करे जिमें दुनिया दस्त के फैसले देख पे नहीं सही ले तकबीर शुकराने की दार चला असी हाथ उठा के शुकराना अदा करके चले हैं तेरी बारगाह बहुत आली और बुलंद है तू सानू खाली नहीं मोड़िया तू ए जनाजा सोचो पढ़ू की पढ़ते रहेंगे जे कोई सोचा भी करो ना कि दीन ने हुक्म क्यों दिते
ਰੱਬਾ ਛੜਾ ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਬਰਕਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੂਏ ਖੇਲਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਨਤੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ। ਦਾਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋ, ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ? ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਜੇ, ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਖ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਰਾਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ,